दस में तीन क्या होता है, इसको एस आई पी से हम याद करते हैं। एस आई पी एक अच्छे स्कूल के हवाले से हमने पढ़ा क्या होता है, हेडशिप के बारे में पढ़ा वो क्या होता है। तो ये सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, जब आप उसको प्रैक्टिकली अमल करेंगे, जब उसको डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में करेंगे, प्लानिंग में ले रहेंगे, तो आप किसी चीज को बदलने के, तब्दील करने के, इम्प्रूव करने के, डेवलप करने के काबिल होंगे। इसीलिए बेसिकली हम डॉक्यूमेंटेशन सीख रहे हैं। इस टॉपिक का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज जो देखते हैं कि ये इसको चेंज होना चाहिए, मेरे स्कूल में ये बेहतर होना चाहिए, तो उसको हम स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान में ले आते हैं। जिस तरह के लेसन प्लान एक टीचर करता है फिर उसके बाद पढ़ाता है तो उसका कुछ मजा और है, तो इस तरीके से आप भी कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसको प्लानिंग का हिस्सा बनाते हैं, तो यकीनन उसका इफेक्ट बढ़ जाता है या वो इम्प्रूव हो जाता है। इसमें जो है हम क्वालिटी एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पर जो है वो काम किया जाए। वैसे अगर इसके स्टेप्स बनाए तो सबसे पहले है सेटिंग गोल, हमें पता हो कि हमने करना क्या है। सेटिंग गोल्स हमारा सबसे अहम हिस्सा होता है कि मकसद पहले होते हैं, कोई भी काम करने से पहले आपका मकसद होता है। मसलन जब टीचर भी लेसन प्लान करते हैं उनकी प्लानिंग में भी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को रखा जाता है, उसको एसएलओ भी बोलते हो आप, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हो। जब तक वो नहीं होगा तो आगे नहीं चलेगा, यानी आप किस ऑब्जेक्टिव पर, किस टॉपिक पर वो प्लान करना चाह रहे हैं ये पहले कंफर्म और क्लियर होता है। इसीलिए गोल के लिए कहते हैं कि ये क्लियर होना चाहिए, ये वाजे होना चाहिए। तीन चीजें हैं एजुकेशन टर्म में, एक ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक गोल्स हैं और एक एम्स होते हैं। मीनिंग में तीनों एक जैसे नजर आते हैं, आप इसके मीनिंग में जाएंगे तो, लेकिन अपने टर्म्स में ये अलग अलग है अपने ब्रॉडर के स्पेसिफिकेशन के हवाले से। यानी ऑब्जेक्टिव वर्ड हम उधर यूज करते हैं जहां स्पेसिफिकेशन हो, स्पेसिफाई हो, कोई जिस तरह ये रूम है क्लासरूम के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसीलिए डेली की बुनियाद पर मैं ऑब्जेक्टिव कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आज हमारे ये है। और इंस्टीट्यूट लेवल पर थोड़ा सा इसको ब्रॉडर ले जाएंगे तो वो हमारे गोल्स होते हैं, जिस तरह स्कूल है ये गोल्स है। नेशनल लेवल पर चले जाए तो वो एम्स होते हैं, तो एम से गोल बनते हैं, गोल से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। यानी गोल हमारे बड़े होते हैं, उन्हीं से हम छोटी एक्टिविटीज को निकालते हैं और वो ऑब्जेक्टिव देते हैं। इसीलिए गोल सबसे पहले होगा क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल का है तो ये पहले है। और उसके साथ फोकस ऑन इंप्रूविंग स्टूडेंट्स, हमारा जो फोकस होता है इस प्लान में वो कहाँ पर होता है कि हम स्टूडेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फोकस ऑन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट इन क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में उनको बेहतर करने के लिए हमारा फोकस तो स्टूडेंट ही होते हैं। जब ये प्लान बनाएंगे आपकी फैसिलिटीज पर भी बात करेंगे, बेसिकली आप स्टैंडर्ड को बेहतर कर रहे हो, स्टूडेंट को इम्प्रूव कर रहे हो। उसके साथ साथ जो आपने करना होता है वो क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग लर्निंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट। यानी ये एनवायरनमेंट पर आपने वो देखना होता है कि हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। टीचर भी एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, यानी बेसिकली वो भी एनवायरनमेंट है जो टीचर यहाँ क्रिएट करता है, जिस तरह का ओरा डेवलप करता है। तो टीचर का यहाँ का जो डेवलप करना है, माहौल बनाना है, जिसको कहते हैं माहौल बनाना, तो वो माहौल भी टीचर ही बनाता है, तो वो भी इसमें शामिल होता है। इसलिए एनवायरनमेंट से जहां आपका मुराद इर्द गिर्द होता है वो टीचर का ये क्रिएट करना भी। और आखिर में इंक्रीजिंग पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, जिस पर हम काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, हमें ये कैसे होनी चाहिए, तो इसीलिए इंक्रीजिंग पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। तो अब बस ये आ गया कि प्रोसेस इसके अंदर कुछ यूं रहेगा, गोल पहले हमारे होंगे, मकसद पहले जहन में होगा, फिर उसकी बुनियाद पर हम देखेंगे जो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट पर, एनवायरनमेंट पर भी हम काम करेंगे और पेरेंट्स पर भी, कि
क्योंकि किसी क्वालिटी एजुकेशन में जब भी आप बात करेंगे या स्टूडेंट को इम्प्रूव करने की बात करेंगे, वो आप अकेले कुछ नहीं होंगे। जिस तरह के आप अपने स्कूल में अकेले कुछ नहीं होते, आपको टीम, टीचर और सारी चीज जरूरत है, उसी तरीके से आपको पेरेंट्स की भी जरूरत है। तो उनको किस तरह इन्वॉल्व करना है, ये अगला स्टेप हमारा होता है, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, जब हम इनके स्टेप्स की बात करें कि जब आप प्लान करेंगे तो आप किन स्टेप्स से गुजरोगे, तो इसके जो स्टेप्स में आता है, सबसे पहले कलेक्शन इंफॉर्मेशन। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गोल हमारा है, तो वो उसकी बुनियाद ये होगी कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, कलेक्शन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है आपने जो गोल बनाना है वो अपनी इसी बेस पर बनाओगे जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन बेसिकली अपनी खामियों को समझ लें, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को समझ लें कि किन किन जगह पर आपको इंप्रूव करने की जरूरत है या किन पर आप काम करना चाहते हैं। ये प्लान का जो मकसद या गोल है वो तभी आपका हासिल होगा जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो ये इंफॉर्मेशन आप कौन से भी ले सकते हो, डिस्कशन से ले सकते हो, मीटिंग से ले सकते हो, स्टूडेंट से बातचीत पर ले सकते हो, पेरेंट्स की फीडबैक पर ये बात नोट कर सकते हो। जागो भी बता रहे थे आपके स्कूल में बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है, तो वो जो राइटिंग का ना होना है ये आपके बेसिकली इंफॉर्मेशन है या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जहां आप समझ सकते हैं कि ये चीज अच्छा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से उन एरियाज की फिर या उन इंफॉर्मेशन की जो आपके पास आती है उनको आपको डिस्कस करने की जरूरत होती है। तो दूसरा स्टेप हमारा डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन, डिस्कशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने इंफॉर्मेशन को डिस्कस करना है अपनी टीम के साथ, क्योंकि आपकी टीम ने उस पर काम करना है, तो इसीलिए आपको वो इंफॉर्मेशन, वो आपकी खामियां, वो स्कूल के एरियाज, वो सारी चीजें एक मीटिंग में उनको सामने रखना है, एजेंडा वो करना है। इसीलिए जब आप मीटिंग किया करें वो एक हेल्दी मीटिंग होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, वो लर्निंग वाली मीटिंग होनी चाहिए, बकायदा उसका एजेंडा तैयार किया करें। चाहे लेवल कुछ भी हो, स्कूल का ये नहीं देखा जाता कि कितनी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके पास 200 बच्चे पढ़ रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना लेवल तो बुलंद रखे ना। मीटिंग हो तो पहले एजेंडा डिस्कस हो, पहले एजेंडा शो किया जाए, आप एक सर्कुलर रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हर टीचर उसको साइन करे कि आज मेरे इस मौजू पर जो है वो बात होनी है, तो वो कुछ आइडियाज उससे भी वो गेन कर ले। या सबसे बेहतर ये होता है कि मीटिंग जो कल होनी है उसकी इतला आज हो जानी चाहिए, ताकि जो फीमेल हमारा स्टाफ होता है वो भी घर में कह के आए कि आधा घंटा लेट हो सकता है या घंटा, या उसकी टाइमिंग डिस्क्राइब होनी चाहिए कि ये हमारी टाइमिंग होगी, इसमें ये मीटिंग है, ये हमारा एजेंडा है, उस पर आपने साइन ले लिया है। एजेंडा का मतलब टॉपिक। तो आज हम हमारी बात है ये कि हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जहां आप बच्चों को पढ़ाते हैं तब भी हम कहते हैं अपना ऑब्जेक्टिव ऐसे लो यहाँ लिखे, जिस जो बात क्लियर और वाजे होगी, बात करना मकसूद होगा तो उसके नतायज अच्छे आते हैं, पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये हुआ है। बट एंड होते पता ही नहीं चलता, मीटिंग भी हो चाहे एंड होते पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है या किस बात पर थी। तो ये चीज होती है। अब ये आप जो इंफॉर्मेशन मिली है उसकी डिस्कशन कर रहे हो, और आखिरी जो इसकी स्टेप्स में से है वो है डिसाइडिंग ऑन अ प्रायोरिटी। अब आप डिसाइड करोगे किस चीज को पहले लेना है किसको बाद में, तो आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो, डिसाइडिंग ऑन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने निकलेंगे तो आपको खामी कोई एक नहीं दिखाई देगी, बहुत सारी होंगी। मसलन स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहनकर भी नहीं आते, ये भी खामी हो सकती है। लेट आते स्टूडेंट, ये भी खामी हो सकती है। इंग्लिश की रीडिंग नहीं है, ये भी खामी हो सकती है। इंग्लिश की राइटिंग नहीं है, ये भी हो सकता है। या उर्दू की राइटिंग नहीं है, मैथ में वीक है, ये भी हो सकता है। तो आपकी जो इश्यूज हैं वो एक लिस्ट में हो सकते हैं, उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज भी आप डिसाइड उस पर करेंगे, मीटिंग हो जाएगी, आपको ये होगा, प्रायोरिटी तय की जाती है कि क्या चीज सबसे अहम है। अब उन सारी चीजों में आपको अहम जो होगी वो पहले नंबर पर ले आएंगे। सारे कामों पर अगर इकट्ठा शुरू कर देंगे तो आपको नाकामी मिलने वाली है। प्लानिंग का मतलब ये है कि एक को चुने प्रायोरिटी में और उस पर काम करें, जब वो हासिल हो जाए तो अगले को, उसका टाइम पीरियड रखे आप। तो ये सारी चीजें हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एरियाज को भी अगर हम डिस्कस